हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ मेरे आज के नए ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है। इतने दिन मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आया, इसका कारण बस यही था कि मैं थोड़ी सी बीमार हो गई थी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और थोड़ा काम भी बहुत ज़्यादा था, जिसके चलते जो है मैंने 3-4 दिन व्लॉग नहीं डाला। तो काम बहुत ज़्यादा था थोड़ा, और बीमार कुछ ज़्यादा नहीं, पर मेरे दांत में दर्द हो गई थी। तो आपको तो पता ही है कि जब दांत में दर्द रहता है तो इंसान जो है कुछ करने के काबिल नहीं रहता है। सारी बीमारियाँ, सारे दुख तकलीफ एक तरफ, और दांत की दर्द जो है एक तरफ, उससे जो है पूरा दिमाग हिल जाता है। तो मुझे, मेरे भी दांत में दर्द था, इसीलिए मैंने इतने दिन 3-4 दिन जो है व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पूरा दिमाग भी हिल जाता है, सिर में दर्द रहती है। तो साथ में फिर मैंने दांत दर्द को लेकर साथ में बाकी जो ज़रूरी काम थे मैंने वो तो किए, पर ये भी ज़रूरी है पर मैंने नहीं बनाया, क्योंकि इतना मेरे बस में नहीं था कि मैं कुछ और काम भी कर पाती, साथ में ब्लॉग बना पाती। तो अच्छे से नहीं बनना था, मेरा मुंह भी पूरा सूज गया था। अब तो मेरे दांत की दर्द ठीक हो गई है, कम से कम मैंने 200-300 रुपए की दवाइयाँ खाई है। तो आगे की वीडियो में देखना मेरा मुंह, जब मेरी पूरा चेहरा दिखेगा तब देखना, मेरा मुंह बिल्कुल टेढ़ा सा है, सूज के थोड़ा सूजन थोड़ी कम भी हुई है, पर फिर अभी भी थोड़ा फ़र्क है, पर थोड़ी थोड़ी दर्द अभी भी हो रही है। तो आज है दिन मंगलवार, 12 दिसंबर 2023 है डेट। तो आज फिर तबीयत भी ठीक है मेरी, और काम भी थोड़ा कम हो गया है। तो मैंने सुबह सुबह यहाँ पर उठकर जो है चूल्हे को पोछा लगा दिया है, तो अभी मैंने चूल्हे पे जो है खाना चढ़ा दिया है, चाय बना रही हूँ मैं, चाय भी बना दी है। नहा धो के मैं फ्रेश हो गई हूँ अभी साफ़ सफ़ाई करने के बाद। तो बाल मेरे गीले हैं और मुझे नहाने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड हुई है, और मैंने सोचा क्यों मैं पहले आग सेक लेती हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद ही मैं रोटी पकाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने साथ में सब्जी भी चढ़ाई है और चाय भी बना दी है, साथ में चाय पीऊँगी, आग सेकूँगी, उसके बाद मैं रोटी पकाऊँगी। ठंड बहुत हो गई है, नहाने के बाद सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होती है, और मैंने, मेरी रूटीन है कि चाहे गर्मी हो सर्दी हो मैं हमेशा सुबह ही उठकर नहाती हूँ। अगर छुट्टी के दिन नहाना हो तभी मैं दिन में नहाती हूँ, अगर मुझे ऐसे छुट्टी के दिन नहीं नहाती हूँ जब मैं, तो छुट्टी नहीं होती उस दिन, मैं सुबह उठ के ही नहाती हूँ, चाहे 5:30 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, चाहे 6 बजे हो, चाहे 7 बजे हो, बस सुबह ही नहाती हूँ, उसके बाद ही मैं खाना बनाती हूँ। तो अभी मैंने जो है बाल जो है गीले हैं अभी तक, तो जल यहाँ पर मैं आटा छान लेती हूँ, साथ में आग भी सेकूँगी, ठंड भी मेरी ख़त्म हो जाएगी और रोटियाँ भी बनाऊँगी, तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे। अगर मैं लेट नहाऊँ तो फिर बाल नहीं सूखते हैं, बाल गीले ही रहते हैं, तो मैं फिर गीले बालों से नहीं जाती हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते गीले बाल। तो साथ साथ मैं सबसे पहले इसीलिए मैं उठकर जो है साफ़ सफाई करती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, बाल धो लेती हूँ। अभी मैंने यहाँ पर टावल निकाल दिया है, वो ज़्यादा गीला हो गया है, और मैंने पतला सा अपना दुपट्टा जो है गीले बालों के लिए रख दिया, ताकि ये आगे ना आए रोटी पकाते टाइम। तो मैंने मक्कियाँ की रोटी पकाई है, आजकल हम मक्कियाँ की रोटी ज़्यादा खा रही है, ठंड हो रही है, ठंड में जो है ये रोटी पच भी जाती है, हेल्दी होती है, और इनसे जो है भूख बहुत कम लगती है, मतलब ये शरीर में ये जो है अच्छी तरह से अब्जर्व हो जाती होती रहती है, और इनमें जो है काफ़ी टाइम तक जो है इनमें भूख मिटाने की शक्ति होती है। जैसे चावल होते हैं, चावल जल्दी खाओ जल्दी पच जाते हैं और जल्दी भूख लगती है, तो उनके मुकाबले में जो है ये फिर काफ़ी टाइम तक, 2 रोटियां भी खाओ तो आधा पौना दिन तो ऐसे ही कट जाता है, लेट पचती है, मतलब ये हैवी होती है। तो अभी मैंने अंदर का सारा काम कर दिया है, और यहाँ बाहर मैं सूरज भगवान को जो है जल चढ़ाने आई हूँ। जिस दिन भी मुझे, मतलब कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि मुझे याद नहीं रहता है जल चढ़ाना, तो जिस दिन भी मुझे, मैं सूरज भगवान को जल चढ़ाती हूँ, वो दिन मेरा बहुत अच्छा जाता है, सच में बहुत शुभ रहता है सूरज भगवान को जल चढ़ाना।
हमारा सूरज भगवान जो है वहाँ से निकल रहे हैं, सामने से थोड़ी थोड़ी किरणें निकली है, अभी पूरी तरह से नहीं निकले हैं। तो निकलते हुए सूरज भगवान को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ रहता है। और यहाँ पर मैं तुलसी माता को पानी डाल रही हूँ, तो यहाँ अपने अंदर जो है कोल्ज माता को यहाँ पर धूप जला रही हूँ। तो पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर लिया है, साफ़ सफाई हो गई है, अब मुझे तैयार होके निकलना है सीधे ड्यूटी। तो मैं तैयार हो गई हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पे मेरा मुंह बिल्कुल टेढ़ा लग रहा है, मतलब थोड़ी सूजन अभी भी है, एक साइड देख लीजिए, तो मुंह बिल्कुल टेढ़ा लग रहा है। इसीलिए मैं कह रही थी कि मेरे दांत में दर्द था, मेरा मुंह पूरा सूज गया था, अभी कम हो गया है। तो मैंने सिर्फ जाने और आने की वीडियो बनाई थी, वहाँ जाकर मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की। ये हमारी वापसी की वीडियो है, मेरी और मेरी फ्रेंड की। तो यहाँ पर हम जो है, हमें लिफ्ट मिल गई थी अपने रिलेटिव की, मेरी बुआ जी की लड़की थी, ये अपने घर को आ रही थी अपनी गाड़ी में। तो इन्होंने ही मुझे फ़ोन किया था कि हमारी गाड़ी में चल पड़ना, तो हमारा वेट कर लो थोड़ी देर। तो हम इन्हीं के साथ आ गए। जब मैं घर में पहुँची तो मैंने सोचा था कि मैंने अचार जो है ये आपके साथ पूरा शेयर करना है कि कैसे कैसे बनाया। तो यहाँ पर देखा तो ये इन्होंने जो है आधा अचार बना दिया था, मतलब ये गलगल के दाने हैं, इनको काटा है और इसमें जो है मसाला मिक्स किया है, मेथी, अजवाइन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, लहसुन, नमक और लाल मिर्च, और ये सब कुछ मिक्स किया है अच्छे से, और पूरी तरह से बड़े बड़े से बर्तन में इसे जो है अच्छे से मिक्स कर देना है। फिर इसमें ऑयल डालना है, और इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, पानी हुआ तो अचार ख़राब हो जाता है। तो मैंने ऐसे ही बताया है, पूरी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी पड़े हैं अभी धोने के लिए, मगर मुझे जो है शाम का खाना बनाना है। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि हमारे घर में मेहमान भी आए, हमारा जो है भांजा आया है और एक भतीजी है। तो मेरे पास यहाँ देख रही थी कि दालें भी ख़त्म हो गई है, एक दो दाल बची थी वो जल्दी अभी पकनी नहीं थी। तो मैंने सोचा मैं पकोड़े वाली कढ़ी बना देती हूँ और मक्की की रोटी बनाती हूँ, क्योंकि हमारे भांजे को जो है कढ़ी बहुत पसंद है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बाज़ार से कुछ ले आती, मगर मुझे नहीं पता था कि वो आया है। जब मैं घर में आई तब मैंने देखा, तो फिर उसने कहा कि मामी जी मुझे कढ़ी बहुत पसंद है, तो मैं कढ़ी के साथ खाऊँगा। तो मैंने फिर सादा कढ़ी नहीं बनाई और मैंने पकोड़े वाली कढ़ी बना दी, उसके लिए बनाई पकोड़े वाली, नहीं तो हमने तो ऐसे सिंपली बना देनी थी। तो यहाँ पर जी मैंने पहले कढ़ी बनाने का काम चलाया है, पहले मैं कढ़ी जो है यहाँ पर बॉईल करने के लिए डाल दूँगी, उसके बाद मैं इधर पकोड़े बनाऊँगी। तो कढ़ी जब तक मेरी पक जाएगी, पकती रहेगी, बॉईल होती रहेगी, उसके बीच में जो है मैं पकोड़े बनाने की रेसिपी शुरू कर दूंगी। जैसे ही मेरी कढ़ी जो है बॉईल होकर थोड़ी सूख जाएगी, फिर मैं उसमें जो है पकोड़े मिक्स कर दूंगी। तो यहाँ पर जो है तड़का लग गया है, अभी मैंने एक लोटा डाला है छाछ का। जब इसे जो है अच्छी तरह ये थोड़ी बॉईल हो जाएगी, उसके बाद मैं दूसरी छाछ डालूँगी। इसके बीच में जो है तब तक मैं पकोड़े का सामान इकट्ठा कर रही हूँ और वो पकोड़े बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। जल्दी से मैं पकोड़े भी बना लेती हूँ। ये मेरी हमारी जो है भतीजी है, मेहमान है हमारी। यहाँ पे मैंने बेसन डाल दी है, बेसन में मैंने थोड़ा नमक डाला है, अजवाइन डाली है, हल्दी डाली है और प्याज डालना है। ये सब कुछ मिक्स कर देना है, मिक्स करने के बाद जो है हमने इन्हें पका देना है। शाम के टाइम जो है अगर घर में जो है दिखे नहीं कुछ कि क्या बनाना है, तो फिर बहुत ही टेंशन पड़ जाती है कि हमने क्या बनाना है। अगर घर में सब कुछ रखा हो तो जल्दी से बन भी जाता है, मगर ख़त्म हो गया हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है सोचते कि क्या बनाएं। अगर कुछ नज़र आ जाता है तो फिर वही बना देते हैं। आज भी फिर मुझे ये जो है कढ़ी बनाने का सामान नज़र आया, पकोड़े बनाने का सामान नज़र आया, तो मैंने सोचा यही बना देती हूँ। दालें भी कितनी बनानी, दालें खा के हम बोर हो गए। तो इधर जो है थोड़ी सी जो मैंने छाछ डाली थी वो बॉईल हो गई है, अब मैं और डालूँगी ताकि ये भी अच्छे से बॉईल हो जाए। उसके बाद जो है इधर पकोड़े बन जाएंगे, पकोड़े बना के फिर मुझे जो है लास्ट में इसमें मिक्स कर देने हैं।
तो यहाँ पे बन रहे हमारे पकोड़े। पकोड़े वाली कढ़ी किस किस को पसंद है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि आजकल आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है, आपके व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। तो जी, मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि आप मेरे व्लॉग का इंतज़ार करते हो, तो आप उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। कि मेरे व्लॉग अच्छे हो या ना हो, पर आप मुझसे जुड़े हैं और इंतज़ार रहता है मेरे व्लॉग का आपको। जो भी देखते हैं और पसंद करते हैं मेरे व्लॉग, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए मेरी वीडियो को, बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। तो यहाँ पे पकोड़े भी बन गए हैं। काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे जो है अच्छी तरह से समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे एडिट करूँ, कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है पकोड़े बना दिए, कढ़ी मेरी बॉईल हो गई है अच्छे से। पकोड़े थोड़े मैं मैश कर रही हूँ, मैश करके डालूंगी, पूरे नहीं डालते हैं, थोड़े इनको तोड़ के डालना पड़ता है ताकि ये अच्छे से थोड़ा नरम हो जाए। और अब इससे मैंने थोड़ी देर फिर से जो है बॉईल करना है। तो पकोड़े वाली कढ़ी जो है बहुत अच्छी लग रही है और टेस्टी भी बहुत हो गई थी। इसके बाद मुझे जो है मक्की की रोटी पकानी है, इसे अच्छी तरह से बॉईल करना है, उठा के उधर रखना है, उसके बाद मुझे जो है मक्की की रोटी पकानी है। तो तब तक आप, ये मेरी कढ़ी बन रही है, मेरी रोटी पक रही है, और उसके बीच में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए। थोड़ी सी भी अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, लाइक करने में क्या हर्ज है। तो यहाँ पर मैं मक्की का आटा गूंध रही हूँ। तो आजकल नई मक्कियों का आटा जो हमने पिसवाया है, तो ये रोटियाँ पकाने में भी बहुत अच्छी लग रही है, मतलब आटा बिल्कुल अच्छा है और बिल्कुल बोर भी नहीं हो रही हूँ, क्योंकि अच्छा आटा हो तो रोटी पकाने में भी अच्छा ही लगता है। अगर आटा ख़राब हो जाए तो रोटियाँ पकाना बहुत बुरा लगता है, पूरे आटे से जो है रोटियाँ नहीं पकती है। तो यहाँ पे जो है अच्छे से आटा मैंने गूंध दिया है और जल्दी से मुझे ये है रोटी पकानी है, उसके बाद सभी के लिए रोटी परोस देनी है, खाना खिला देना है, और उसके बाद जो है बर्तन धोने हैं, साफ सफाई करनी है। तो अभी बाहर जो है बिल्कुल रात हो गई है, 6-7 बजे का टाइम है और बाहर बिल्कुल रात हो गई है। यहाँ पे सभी आग सेक रहे हैं, ठंड का टाइम है। तो ये एक हमारा भांजा है, हमारी भतीजी है, ये हमारे मेहमान हैं, बाकी हमारी फैमिली है सारी। जल्दी से मैं मक्की की रोटी भी पका लेती हूँ। तो रोटियां मेरी बन गई है, सबके लिए मैंने खाना दे दिया है, और मैंने खुद के लिए भी थाली परोस ली है। और ये ऐण की सब्ज़ी है साथ में, बिच्छू बूटी जो बोलते हैं हिंदी में, तो वही सब्ज़ी है, और पकोड़े वाली कढ़ी है। तो ये ऐण वाली सब्ज़ी, बिच्छू बूटी वाली सब्ज़ी जो मैंने अपनी जेठानी जी से लाई थी, उन्होंने बनाई थी ये, और मैंने उनको जो है कढ़ी दी थी। तो सबको मैंने खाना खिला दिया है और बर्तन सारे मुझे धोने, अभी मैं जल्दी से बर्तन धो लूँगी। बर्तन सारे अगर मैं सुबह के लिए रखूँ तो सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, और वैसे भी कहते हैं कि रात में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए। जितने जल्दी हो सके किचन जो है सुबह और शाम जो है साफ़ सुथरा रखना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी माता नाराज़ हो जाती है। तो लक्ष्मी माता तो किसी से भी नाराज़ नहीं होनी चाहिए, साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है और रखनी भी चाहिए। तो मुझे साफ़ सफाई रखना बहुत पसंद है, पर टाइम कम मिलता है तो मैं नहीं रख पाती हूँ, मगर कोशिश करती हूँ फिर भी
बर्तन में जूठे नहीं रखती हूँ और ना ही झाड़ू लगाने के बगैर मैं अपना किचन रखती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बर्तन भी लगभग धुल चुके हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है जी, यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप सबको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। तो यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।